जो फ्रेंड इसरो की जर्नी रही है चंद्रयान तक, वो मैम ने इसके अंदर शो करी है, आप देख सकते हैं। नौरा, नौरा एक हमारे बिश्नोइयों का शब्द होता है जहाँ पे एनिमल्स रखते हैं। अच्छा शेर है वो भी इनके बीच में छोड़ा हुआ। देखते हैं कौन बताता है। साकी की तैयारी कर रही हूँ मैं, साकी पे गेहूं वो रखी है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करें पे। तो आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ एक और ब्यूटीफुल गार्डन में। जैसे कि आप जानते हैं मेरे चैनल पे चल रही है दिल्ली एनसीआर सीरीज, तो दिल्ली और एनसीआर के काफ़ी सारे गार्डन्स में जाने का मुझे मौका मिल रहा है। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए एक और ब्यूटीफुल गार्डन में आपको मैं लेके आ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ फरीदाबाद में शारदा गोदारा जी के घर पे, जो कि लंबे समय से गार्डनिंग कर रही है और मैम को शौक है ट्रे गार्डनिंग का। साथ ही मैम के गार्डन में ढेर सारे इंडोर प्लांट्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो किस तरह ट्रे गार्डनिंग करनी चाहिए आज आपको सिखाने वाली है मैम। ट्रे गार्डनिंग अगर आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं ट्रे गार्डनिंग कैसे करनी है, तो आपको इन वीडियोस को ज़रूर देखना चाहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप एक बिगनर हैं और गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, देखना चाहते हैं भारत के ऐसे ही अलग अलग गार्डनर्स और उनके गार्डन, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जाकर ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि मैम के साथ मैं बनाने वाला हूँ ढेर सारे रील्स जो कि आपको देखने के लिए मिलने वाली है इंस्टाग्राम पर। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों फाइनली एक बार फिर से हमारे साथ हैं शारदा गोदारा जी। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते, बढ़िया। तो लंबे समय के बाद एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ आपके गार्डन में। थैंक यू सो मच, आपने मुझे एक बार फिर से इनवाइट किया और मौका दिया आपके गार्डन को दिखाने का। और फाइनली एक बार फिर से आज मैं आपका देखने वाला हूँ ट्रे गार्डन का कलेक्शन। काफ़ी सारे नए नए ट्रे गार्डन्स मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं और मैम ने अपने गार्डन को भी बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट कर रखा है। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए रहने वाली है जो ट्रे गार्डनिंग सीखना चाहते हैं, साथ ही उनके लिए भी रहने वाली है जिन्हें गार्डन डेकोर सीखना है, क्योंकि मैम ने अपने गार्डन को भी बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया है। तो मैम प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को अपना गार्डन टूर कराएँ और साथ ही साथ उन्हें सिखाएँ किस तरह ट्रे गार्डनिंग करनी चाहिए। थैंक यू संदीप, एक बार फिर मेरे को अपना गार्डन दिखाने के लिए। और पहले तो मैं आपके जो दर्शकों का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मेरी जो फर्स्ट टाइम आपने जो वीडियो बनाई और इतने सारे लोगों ने देखा, मैं उस आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद मुझे आप लोगों की इंस्पिरेशन मिली कि मैंने फिर से बहुत अच्छी अच्छी ट्रे में मेरे को लगता है कि अब मैं पहले से ज्यादा अच्छी ट्रे गार्डनिंग करने लग गई हूँ कि आप लोगों ने इतना पसंद किया जी। व्यूअर्स ने अप्रिशिएट किया और मैम को मोटिवेशन मिला, साथ ही मुझे भी मोटिवेशन मिला कि मैं ऐसे ही काफी सारे लोगों तक पहुंचूं और इसी श्रृंखला में मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ और काफ़ी सारे लोगों तक पहुँच रहा हूँ। तो मैम ट्रे गार्डनिंग की बात करें तो काफ़ी सारे बिगिनर्स भी आज आपको देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ट्रे गार्डनिंग आखिर होती क्या है, किस तरह ट्रे गार्डनिंग शुरू करनी चाहिए, इन सभी के लिए आप प्लीज़ बेसिक नॉलेज दें हमारे व्यूअर्स को। ट्रे गार्डन का मतलब होता है कि एक आप एक छोटे छोटे प्लांट में आप बहुत सारे प्लांट लगा सकते हो, क्योंकि जैसे हम शहरों में रहते हैं तो हमारे पास इतना स्पेस भी नहीं होता इतने सारे प्लांट्स रखने का। तो उससे क्या होता है कि आप एक एक ट्रे लो या एक कोई भी पॉट ले लो जिसके अंदर आप दो तीन प्लांट लगा लो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आपकी जो भी थॉट है, जो भी आपकी क्रिएशन है, जो कुछ आप दिखाना चाहते हो वो भी आप उसमें रख सकते हो, कि कोई थीम देना चाहते हो, जो आप अपनी क्रिएटिविटी है वो कर सकते हो। ट्रे मेरे हिसाब से ट्रे गार्डन मैं इसीलिए बनाती हूँ कि मैं अपनी सारी थॉट उसमें रख देती हूँ जी। वैसे मैम कई सारे ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो फर्स्ट टाइम अभी आपकी वीडियो देख रहे होंगे, लास्ट वीडियो उन्होंने नहीं देखा होगा जो कि मैंने लास्ट ईयर बनाया था, तो थोड़ा सा प्लीज़ अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं, कब से आप गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, किस तरह आपने गार्डनिंग करनी शुरू करी, कैसे रुझान है, कितना टाइम हो गया करते हुए? गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम तो मैंने अभी लॉकडाउन के बाद ही दिया है, मतलब इतना ये ट्रे गार्डन और ये सब इसके ऊपर, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए। ऐसे मैं नॉर्मल प्लांट्स तो रखती थी पहले घर में ऐसे जैसे होते हैं, उसके उसके बाद मेरा धीरे धीरे जितना जैसे घर भर गया
नॉर्मल प्लांट से और फिर बल्कि मैं यूं बताऊं कि मेरे पास चार ट्रे लाई हुई एक साल तक छत पे रखी रही और मैं वो गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस उसमें देख के आई थी, उससे मेरे को आइडिया मिला था कि मैं भी ऐसी करूं और वो मेरे से बनी नहीं, मतलब मेरे को बनाने नहीं आई। उसके बाद मैं नीचे लेके आई और मैंने ट्राई करा, ये वाली जो मैं आपको दिखाऊंगी वो वाली ट्रे जो मेरी फर्स्ट जो मैंने बनाई जी, ये वाली, ये मेरी फिर फर्स्ट वो ट्रे थी, क्योंकि मैंने इसमें फर्स्ट टाइम था ये, तो मैंने नॉर्मली प्लांट लगाए और मैं वहीं से ही आइडिया लेके आई थी और ये मैंने रख भी रखी है अभी तक। मैं इसके थीम चेंज करती रहती हूँ। अभी क्या थीम है मैम इसके बारे में हमारी? अभी मैंने अभी पीछे सावन में ये वो दिखाया जी, भोले बाबा हैं यहाँ पर, भोले बाबा वाला। और मुझे लगता है कि पहाड़ों जैसे होते हैं आदि जो जी, आदि होगी जी, लक्ष्य क्या है वो केदारनाथ। अच्छा, केदारनाथ वाला जो आपने लुक दिया है कि साइड में पहाड़ हैं। हाँ, पहाड़ और है। पीछे जो प्लांट्स आप देख रहे हैं उन प्लांट्स को दिखाए हुए, तो ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, प्लीज कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही मैम के गार्डन में सैकड़ों आपको ट्रे गार्डन देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि आगे मैं दिखाने वाला हूँ। मैम ने आपको दिखा दिया है अपना पहला ट्रे गार्डन, तो आप देख सकते हैं पहली बार में ही किस तरीके से इन्होंने ट्रे गार्डनिंग करी है, हालांकि थीम ये चेंज करते रहते हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैम इसमें आपने स्नेक प्लांट को यूज किया है? हाँ, वो फर्स्ट टाइम था ना, तो फिर स्नेक फर्स्ट टाइम गार्डनिंग के लिए ये होता है, इजी होता है कि आप जो कर रहे हो वो चल जाते हैं, पानी देने की भी जरूरत कम पड़ती है, तो आप जो डेकोरेट करते हो मटेरियल जैसे रखते हो आप ये, तो ये भी एज इट इज रहते हैं। ओके, तो इसी टाइप के प्लांट यूज करने चाहिए जिनमें कम पानी लगे और कम जगह में ही वो ग्रो हो सके, कम जगह में ग्रो हो जाए। जी, तो हम एक तरफ से देखना स्टार्ट करते हैं आपके सारे ट्रे गार्डन्स, और साथ ही साथ मैं आपसे लेता रहूंगा ट्रे गार्डनिंग में नॉलेज। जी, इसको भी मैंने, ये मेरा लास्ट ईयर तो मेरा मैंने होली थीम बनाया था इसको, फिर मैंने चेंज कर दिया इसको होली थीम के बाद, इस बार मैंने इसको गणेशा का बना दिया, गणेशा जी रख के और थोड़ा कलरफुल। तो मैं अभी क्या करती हूँ कि मेरे पास बहुत सारी ट्रे गार्डन हो गई, तो मैं एक साल से ट्रे मेरे पास वही होती है, मैं उनकी थीम चेंज करती रहती हूँ। जी, कभी मैं प्लांट्स अगर कोई अच्छा ना चले या उस थीम को अगर वो सूट नहीं कर रहा तो मैं प्लांट चेंज कर देती हूँ। ओके, और मोस्टली मैं ट्रे वही रखती हूँ, थीम चेंज हो जाते हैं। जी, तो थीम चेंज होती रहती है। पहले लास्ट टाइम भी जब आया था तो 100+ ट्री गार्डन्स मैंने दिखाई थी, अलग अलग थीम दिखाई थी, और कुछ ऐसा ही आज भी होने वाला है, अलग अलग थीम आपको मिलेगी। इस वाले ट्री गार्डन के बारे में बताएं मैम। ये आप देखो, इसे लोग पहचान जाएंगे, माता रानी की है ये। जी, तो ये आपने कौन सी थीम रखी है? माता रानी की वैष्णो देवी की। ओके, तो ये वो थीम है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसमें आपने चिप्स वगैरह को यूज किया है, कलरफुल स्टोन्स को यूज किया है, और रेड पाथ भी रखा है, रेड पाथ है, और ऊपर आप देखेंगे तो जो प्लांट है वो भी काफी सुंदर लग रहा है। गणेशा फिर से, ये देखिए एक और गणेशा जी का आ चुका है ट्रे गार्डन, और ये भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसमें आपने जो प्लांट लिया है वो अरिका पाम लिया है? हाँ जी। ओके, हाँ इसमें भी वो कम पानी की होती है जरूरत, और जी इसको आप इंडोर भी रख सकते हो कभी कभी, जैसे आपका मन करे ना। जी, छोटी ट्रे है ये, तो मैं इसको अंदर भी ले जाती हूँ कभी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, ये वाला बहुत ही सुंदर ट्रे गार्डन आ चुका है पूरा विलेज लुक में, तो मैम इसकी क्या थीम है, आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे क्या बनाया आपने? ये भी बैसाखी की तैयारी कर रही हूँ, मैं बैसाखी पे गेहूं बो रखी है, और ये मेरा तो ये आपने एक्चुअल में गेहूं ही इसमें लगा दिया? हाँ जी। अरे वाह, तो देख सकते हैं बैसाखी की तैयारी है मेरी, और ये मेरा वैसे बचपन, ये मेरी माँ का विश्राम स्थल है, हमारा गाँव है। Okay. ये हमारा कच्चा ट्रैक और मैं यहाँ तक जाती हूँ, और ये स्केयर करो खड़ा करा है मैंने, तब वाओ, जैसा मैम का विलेज है मैम ने उसी तरह का इसको रूप दिया है। और चल दिया बैसाखी की तैयारी, तो सभी फ्रेंड्स को बताना चाहूँगा मैम अपने गार्डन में जब भी कोई फेस्टिवल आता है उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रे गार्डन की थीम को रेडी करती हैं, तो तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो काफ़ी सारी थीम नई नई देखने के लिए मिलेगी। एक ये वाला तो बहुत ही अट्रैक्टिव है मैम, ये बनाया था आपने? हाँ जी, ये चंद्रयान को पहुंचाया मैंने भी चंद्रयान लॉन्च किया, ये मेरा चंद्रयान है, और
ये देखो पूरी थीम दिखाई मैंने अपनी यहाँ से साइकिल से लेके और अच्छा आसमान तक ये साइकिल, तो जो जर्नी रही जो चंद्रयान की जर्नी थी जो फ्रेंड इसरो की जर्नी रही है चंद्रयान तक, वो मैम ने इसके अंदर शो करी है, आप देख सकते हैं। पीएसएलवी तो आपको दिखाई दे ही रहा है, इंडिया भी मेंशन है, इसी के साथ ही आपको नजर आ रहा है चंद्रयान, और नीचे आप देखेंगे बाइसाइकिल, क्योंकि जो शुरुआत हुई थी वो रॉकेट को जब हम स्टार्टिंग में लेकर गए थे आज से कई साल पहले, वो साइकिल पर ही लेकर गए थे। तो इसरो ने बहुत सफलता प्राप्त कर ली है और हम सभी को इस पर बहुत ही गर्व है। तो मैम ने इस पर बना दिया है बहुत ही सुंदर ट्रे गार्डन, और ऐसा ट्रे गार्डन मैंने अभी तक तो नहीं देखा था, काफ़ी सारे वीडियोस मैंने कवर किए, बहुत ही यूनिक है। और इसकी रॉक्स के बारे में मैम बताएं, किस तरह से रॉक्स को आपने अरेंज किया है, कैसे इसको डेकोरेट किया? ये सीमेंट का एक कट्टा था, वो कई बार होती है काम होता है और सीमेंट फिर वो जम जाती है, कट्टा पीछे रह जाता है, तो उसको देख के मेरा आइडिया आया, वो जैसे ऐसे उठा रहे थे। अरे वाह, फिर मैंने इसके अंदर वो ड्रिल मशीन से होल किए। अच्छा, मुझे तो एक बार ऐसा लगा कि जैसे नेचुरल स्टोन जो होते हैं वो मिल जाते हैं कई बार, तो आप शायद वो लेकर आए हो। नहीं नहीं, वो चल रहा था ना उस दिन जब चंद्रयान लॉन्च कर रहे थे, तो वो उसके चंद्रयान की ऊपर उसकी फोटो दिखाते थे स्पेस की और बहुत, तो फिर समझ आया कि उसमें ऐसी ऐसी मिट्टी है और उसमें बहुत सारे होल हैं। फिर मैंने होल भी किए और थोड़े थोड़े प्लांट्स भी लगाए कि जैसे उस टाइप के बाद जो देख सकते हैं फ्रेंड, जो हमारा सीमेंट होती है रखे रखे जम गई, उसको फिर मैम ने यूज कर लिया ड्रिल वगैरह करके, उसमें छेद कुछ पहले से थे कुछ इन्होंने बनाए, और ऐसा लगता है कि ये नेचुरल स्टोन है लेकिन ऐसा नहीं है, ये सीमेंट है। और तो ये प्लांट ग्रो भी कर गए तब से, ये देखो काफी बड़े हो गए फिर से, ये जब चंद्रयान लॉन्च हुआ था उन्हीं दिनों की है, ये उसी दिन ही दिन में ही बनाने लगी थी कि आज हो जाएगा, और मैं साथ साथ ही किया साथ साथ ही स्टोरी डाली मैंने। बहुत बढ़िया, और आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये मेरी थोड़ी पुरानी है, ये गंगा नदी और हरिद्वार जो दिखाया था जी, तो गंगा नदी है बीच में, इसको मैंने खराब नहीं होने दिया, ये मेरे को बहुत ही सुंदर लगती है। ये भी मेरी पुराने ट्रे है फर्स्ट, तो ये मेरे प्लांट्स काफी पुराने हो गए इसमें से हो गए, तो ये कह लो कि पुराने है, तो मैं इसको, ये मेरे प्लांट्स भी मैं चेंज वेंज नहीं करती, इसको बस मैं ठीक रखती हूँ। वाह, और देखिए आगे काफी सारे ट्रे गार्डन है, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में यूं ही बने रहे, आपको बहुत मजा आने वाला है। आगे चलते हैं, ये वाला ट्रे गार्डन देखिए, इसमें मैम ने जिनसिंग प्लांट को यूज किया हुआ है, ब्यूटीफुल। इसकी क्या थीम है मैम? इसकी मैंने जब मेरे बच्चे जैसे ये दोनों बेटियां बाहर गई थी, तो मैं एक दिन ऐसे ही उदास हो रखी थी, तो उन्हें कोई थीम में लेके बनाया मैंने कि इसको सी दिखाया और जैसे बच्चे बाहर गए हुए हैं जी, बस ये जैसे बेटियों को ही वो किया। कई बार क्या होता है आप ऐसे उदास होते हो, कोई प्लांट है आपके पास और कुछ सोच रहे हो रहे उनके बारे में, आप उसी हिसाब से फिर वो थीम क्रिएट कर लेते हो। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये भी, और इसमें आप देखेंगे मैम ने बैंगल्स को भी लगाया हुआ है, तो ये डेकोरेशन का पार्ट है मैम। हाँ जी, तो जिनसिंग प्लांट, जिन फ्रेंड्स को नहीं पता उनको बताना चाहूंगा, ये जिनसिंग प्लांट है, वैसे लोग इसे बॉन्साई समझते हैं लेकिन बॉन्साई नहीं होता, इसकी खूबसूरती इसके कोडेक्स से होती है, और इसी तरह ये जिनसिंग ग्रो करता है, इस पर ग्राफ्टिंग होती है फाइकस की, तो ऊपर आप देख रहे हैं कितना बुशी हो गया है, बहुत सुंदर लग रहा है, और नीचे मैम ने इसको यूज कर लिया है अपने। ये भी मेरा 2-3 साल पुराना मतलब 3 साल पुराने ट्रे प्लांट, तो काफी पुराना है जी, ये मैंने क्योंकि इसकी ट्रे की काफी वो है। हाँ, तो ये मैंने इसको, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी होगा इसमें जी, बहुत ही सुंदर। एक मैम इसके बगल में भी एक ट्रे गार्डन मुझे नजर आ रहा है। हाँ, ये माता रानी का है, जैसे दो बार माता रानी आती है, तो ये फिर ये मेरा अभी थोड़ा जल गया है। ओके, मैं इसको आपको पूरा एक और ट्रे है उसमें दिखाऊंगी, अभी ये चलना शुरू हुआ है फिर से जी, तो ये माता रानी की है छोटी, ब्यूटीफुल। और आगे की तरफ चलेंगे तो ये देखिए, नेक्स्ट आपको ट्रे गार्डन दिखाने जा रहा हूँ, ये भी बहुत जन्माष्टमी की है मेरी, इस बार मैंने ये बनाया, इसको जैसे श्री कृष्ण वो अपना उठा लेते हैं ना, वो दिखाया पर्वत उठाया, ये पर्वत उठाया हुआ है और ये झूला झूल रहे हैं कृष्ण जी, और ये यमुना नदी यमुना किनारे ये दिखाया, ये झूला और ये वो पर्वत उठा रखा है।
ब्यूटीफुल, तो बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया है। नीचे आप देखेंगे इसमें बर्ड्स वगैरह भी आपको नजर आ रहे हैं, स्वैन भी है इसके अंदर, तो पूरा सेम एज इट इज उसी तरह से मैंने इसको बनाने की कोशिश करी है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके बगल में देखिए एक और ट्रे गार्डन आ चुका है, क्योंकि आज मैं सारे ट्रे गार्डन कवर करने वाला था। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत मजा आने वाला है। ये देखिए नेक्स्ट ट्रे गार्डन भी बहुत ही सुंदर है। मैम इसकी क्या थीम रखी है आपने? ये भी पहाड़ों का ही सीन था, एक ऐसे कुछ स्पेशली नहीं दिया। कई बार मैं ऐसे बना लेती हूँ ट्रे की मुझे कोई आइडिया, जैसे अब ये मेरे प्लांट अच्छे से इसमें थे तो इसमें आपने बड़े प्लांट का सिलेक्शन किया हुआ है, बड़े प्लांट का दिया, बड़ी ट्रे थी जी। अब ये एक इसमें से हो गया तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, नीचे आप देख रहे हैं कि पहाड़ों का और वहाँ पे जो झरने होते हैं उत्तराखंड का, उससे इंस्पायर्ड है। तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अब चलेंगे एक नेक्स्ट ट्रे गार्डन की तरफ, जिसे मैंने जैसे ही एंटर किया मैम के घर में देखा और मुझे बहुत पसंद आया। ये बन गया हमारा नोरा। नोरा, अरे वाह। नोरा, नोरा एक हमारे बिश्नोईयों का शब्द होता है जहाँ पे एनिमल्स रखते हैं। अच्छा, जिसमें एनिमल्स बांधते हैं और जो भी जाके आराम कर ले। तो ये मेरे पास, ये मैं नेचुरल ग्रास लगाई है मैंने, इसमें आर्टिफिशियल नहीं है। अच्छा, ये नेचुरल है पूरी। वाओ, तो फ्रेंड्स ये है नेचुरल ग्रास, ब्यूटीफुल। इतनी बड़ी ट्रे थी ये, फिर नेचुरल ग्रास में, फिर मैंने ये था कि कभी कभी आप जाके नोरे में बैठ भी सकते हो। जी जी, बहुत अच्छी बात है मैम, क्योंकि ज्यादातर जो ट्रे गार्डन्स फ्रेंड मैंने अभी तक कवर किए हैं उसमें नेचुरल ग्रास बहुत कम लोगों ने यूज करी है, लेकिन मैम ने यूज करी है और मुझे तो देखने में आर्टिफिशियल लग रही थी, लेकिन ये है बिल्कुल नेचुरल, बहुत ही सुंदर है जी। इसमें मैम आपने जो फैंस वगैरह यूज करी है वो फैंस आपने कैसे बनाई है? ये इसकी क्या बताऊं मैं, ये एक वो बर्तन का स्टैंड टूट गया था, उसके साइड में वो जाली सी लगी हुई होती है, उसको आपने कटिंग करी है? उसकी कटिंग करी मैंने। देख सकते हैं, तो इस तरीके से भी आप ट्री गार्डनिंग कर सकते हैं, जो वेस्ट हो जाए चीजें उसकी फैंस वगैरह में आप यूज। नोरे को भी इसी तरीके से डेकोरेट करते हैं, हमारी तरफ भी कोई जो पशुओं का होता है उसमें बची खुची चीजें लगा देते हैं, तो फिर मैंने भी उसको उसी हिसाब से देखा, उसी तरह ही डेकोरेट किया, बहुत सुंदर लग रहा है। अब हम चलेंगे ऊपर की तरफ, तो ऊपर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कितने सारे ट्रे गार्डन्स यहाँ पर रखे हुए हैं। तो चलिए आप करते हैं नेक्स्ट ट्रे गार्डन की बात। तो ये आ चुका है बहुत ही सुंदर ट्रे गार्डन, और यहाँ पे है माता जी भी, देख सकते हैं वैष्णो माता है इस ट्रे गार्डन में, मैम ने लगाए हुए। ये मेरी जो दो चार जैसे ऐसे होती है ना, जैसे माता रानी की तो साल में दो बार आते हैं जी, तो फिर वो हर बार करना जरूरी होता है, तो फिर कई ट्रे मेरे जो प्लांट खराब नहीं होते मैं उनको फिर चेंज नहीं करती, और ट्रे मिल जाती है तो नाइस। को इसमें आपने अगावे लगाया हुआ है? हाँ जी, ये देखो मैंने ये इसके कांटे चुपते हैं तो इसको ऐसे डेकोरेट भी किया है। ओके, ये क्या लगाया हुआ है आपने? ये बीट्स लगाए मैंने, बीट्स लगाए हुए हैं। ओके, तो ये नाइस, तो इससे डेकोरेशन भी हो गई है और कांटे भी नहीं चुपते। ये इसके आगे कांटे होते हैं तो ये बीट्स से डेकोरेट किया जी। इसमें आप देखेंगे कुछ कैक्टस प्लांट भी मैंने लगाए हैं, स्टोन्स भी लगाए हुए हैं, तो ये भी बहुत क्यूट लग रहा है। और अब चलेंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही सुंदर एक और ट्रे गार्डन आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये भी एक गार्डन कह सकते हैं। वाओ, ये भी बहुत क्यूट लग रहा है। तो जो इसका पॉट है वो मैम ने रेड कलर से पेंट किया हुआ है, और इसीलिए ऊपर जितने भी आप मिनेचर्स देख रहे हैं या पूरा ग्रास वगैरह विलेज लुक जो आपको देखने को मिल रही है, ये सारी की सारी हाईलाइट हो रही है। दो दो जेड प्लांट को यूज़ किया, और ये जो प्लांट यूज़ करें ये भी काफ़ी मैच्योर हैं, पैडिंग इनकी मैम ने क्रिएट करी है। कितने पुराने प्लांट हैं मैम इसमें? ये काफ़ी पुराने हो गए मेरे तब। इस बार इसको भी मैंने इस बार ट्रे को चेंज किया है थोड़ा, ये थोड़े पिछले साल मैंने इसमें वो बनाया था, क्या था वो, मनाली, जब वो बाढ़ आई थी मनाली में और उसका वो थीम क्रिएट किया था। अच्छा, फिर अब वो था कि अब ठीक हो गया तो फिर से उसको मनाली को एक साल हो गया, और अब था कि वापस उसी पोजीशन पे आ गई है ठीक उस पे जी। साल में जैसे लोग घूमने गए तो वहाँ के सुंदर सुंदर फोटो डाल रखे थे, तो ये मनाली पे आपने क्रिएट किया है जी। आप चलते हैं इसके बगल में, तो एक देखिए छोटा सा क्यूट सा ट्रे गार्डन आपको नजर आ रहा है। हाँ, ये जू बनाया, जू जू नहीं, अच्छा, मींस अच्छा। जंगल, जंगल देखो कैक्टस तो लगाए उसमें फिर छोटे छोटे ये जंगल मैम ने बनाया, क्योंकि इसमें भी मैंने ये कहीं कहीं घास उगती दिखाई, कहीं ईंट पत्थर रोड़े ऐसे। वाओ, तो इसमें आप देखेंगे मैम ने कैक्टस प्लांट को यूज किया है, इसमें बनी कैक्टस को भी लगाया है, और अपना जो इंडियन कैक्टस है उसे भी यूज किया हुआ है,
और नीचे लगा हुआ है स्नेक प्लांट, और साथ में आपको नज़र आ रहे हैं क्योंकि फॉरेस्ट है, जंगल क्रिएट किया है, तो सारे के सारे जानवर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो मैम आपने तो जो शेर है वो भी इनके बीच में छोड़ा हुआ है। देखते हैं कौन बताता है। ये वहाँ पे ऐसे पड़ी थी, वो जो शॉपकीपर था वो बहुत बिजी था। ओके। ये थोड़ी टूटी सी थी, मैं उससे बार बार पूछ रही भैया पैसे बता दो पैसे बता दो। वो कहता है मैम आपको इतनी टूटी हुई चीज इतने अच्छे सामान में से पसंद आई, आप ऐसे ले जाओ। बताना चाहूंगा टोपियारी जब आप बनाते हैं जैसे ऐसे उसकी पिंचिंग करते जाएंगे ये सब बुशी हो जाता है और बहुत सुंदर लगता है। तो शो बना दी, थोड़ा गीला वो भी कर दिया कि थोड़े ये कॉटन के कपड़े हैं उससे ये गीला भी रहता है, इसको ऊपर रख दो, पानी देने की भी कम जरूरत पड़ती है।